प्रेज द लॉर्ड। फादर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पितृत्व दिवस आप सभी को मुबारक हो। मेरे प्यारों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आज हम लोग फादर्स डे के अवसर पर परमेश्वर का वचन समझे, जाने और अपने स्वर्गीय पिता को हम ज्यादा स्मरण करें, ज्यादा उसकी संगति में चले और उसकी महिमा करें। प्रभु को हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। मेरे प्यारों, आज के इस वचन की शुरुआत मैं एक उदाहरण के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा विषय है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे प्यारे, ये बहुत ही खास बाइबल का कथन है और हम इसी कथन पर, इसी वाक्य पर आज परमेश्वर का वचन फादर्स डे के अवसर पर हम लोग समझेंगे। एक उदाहरण में के साथ मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं। उदाहरण इस प्रकार से है, एक हिरन थी और हिरन का बच्चा, हिरन और हिरन का बच्चा एक साथ जंगल में एक छोटे स्थान में रहा करते थे। और एक दिन हिरन ने सोचा कि मैं कुछ बाहर होकर आती हूँ, तो उसे अपने बच्चे से कहा कि बेटा यहीं पे रहना, घर के अंदर रहना, बाहर मत जाना, मैं कुछ काम करके होकर आती हूँ। सो उसने कहा ठीक है मम्मा, आप जाइए, मैं यहीं पे रहूँगी। और हिरन का बच्चा अंदर ही घर में खेल रहा था, उसकी माँ तो चली गई। और खेलते खेलते हिरन के बच्चे ने देखा कि बाहर जो है खरगोश के बच्चे या अन्य जानवरों के बच्चे खेल रहे हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाया वो बच्चा, और वो बाहर निकलकर उन बच्चों के साथ खेलना उसने आरंभ कर दिया। जब वो उन अन्य जानवरों के बच्चों के साथ खेलना आरंभ किया, खेलते खेलते ये हिरन का बच्चा काफ़ी दूर चला गया। जब वो बहुत दूर चला गया, शाम हो गई और वो अपने घर लौटने का रास्ता भटक गया, उसे रास्ता याद नहीं रहा। और आप जानते हैं जंगल में, जंगल का राजा शेर, शेर वहां पर था। शेर की नज़र ये नाजुक कोमल हिरन के बच्चे पर गई और हिरन के बच्चे को देखा उसने, और ये तो उसने कहा कि आज का तो डिनर का इंतजाम तो हो गया है। और उसने पलक झपकते ही पकड़ लिया हिरन के बच्चे को और उसे मार डाला। जी हाँ, हिरन के बच्चे को मार डाला और अपने मुंह में लेकर एक उसके विशेष स्थान पे वो ले गया और वहां नीचे रख दिया। नीचे रखने के बाद वहां पर सियार था। सियार से ये कहा कि सियार देखो, मैंने आज मेरा शिकार पकड़ के लाया है, आज मेरे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी पार्टी होने वाली है, तू इस मेरे शिकार का ध्यान रखना और सुन, खाना मत, मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ। और शेर गया, अपने बच्चों को लेकर आया। जब वो बच्चों को लेकर आया तो उस दौरान ऐसा हुआ कि सियार की जो नज़र थी वो हिरन के बच्चे पर थी और उससे वो हिरन का बच्चे को देख देख के मुंह में पानी आ रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि मैं कैसे ये बढ़िया खाना खाने से मैं अपने आप को रोक सकता हूँ। उसने बहुत कोशिश किया, उससे हुआ नहीं और आखिरकार उसने कच से उसके कान खा लिए, हिरन के बच्चे के कान काट के खा लिए और मुंह पोंछ के शांत बैठ गया। शेर आया अपने बच्चों को लेकर। शेर ने कहा कि मैंने ये शिकार लाया, हिरन का बच्चा ठीक है, पर कुछ गड़बड़ है। तो नहीं साहब, कुछ गड़बड़ नहीं है। बोले कुछ गड़बड़ है, इसके कान मुझे नहीं दिख रहे, हिरन के बच्चे के कान मुझे नहीं दिख रहे। और अचानक उतने में हिरन की माँ भी ढूंढते ढूंढते वहां तक आ ही गई और उसने देख लिया सामने का नजारा कि उसका बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ है, एक सियार बैठा है, शेर है, शेर के साथ कुछ बच्चे हैं, शेर के बच्चे हैं और वो रो रही है दूर से देखकर। और सियार की नजर उस हिरन पर पड़ी। शेर ने फिर पूछा, कुछ गड़बड़ है, तूने कान इसके खाए लगता, मुझे लगता है। सियार ने कहा बिल्कुल नहीं साहब, मैंने इसके कान नहीं खाए, देखो उसकी माँ भी शायद वहां आके खड़ी है, उसको पूछ लो, इसके कान थे ही नहीं। शेर ने जोरदार आवाज से पूछा हिरन को, क्या तेरे बच्चे को कान थे? तो हिरन ने जवाब दिया, बहुत ही नम्र स्वर में हिरन ने जवाब दिया, नहीं साहब, इसके कान नहीं थे। ये सही बोल रहा सियार, इसके कान नहीं थे, अगर इसके कान होते तो ये मेरी बात सुन लेता, इसके कान होते तो मेरी बात सुन लेता। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ ऐसी बातें बता रहा है जहां हम ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कान हो वह सुन ले। हिरन के बच्चे के कान होकर भी हिरन के बच्चे ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और जो आज्ञा, जो आदेश उसको दिया गया था उसने उसका पालन नहीं किया, इस कारण वह शेर का शिकार बन गया। मेरे प्यारों, ऐसा ही होता है हम कलीसिया के साथ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें कुछ आज्ञाएं दे के रखा है, हमें कुछ बातें बताए रखा है कि तुमने
कैसा जीना है, कैसा रहना है, कैसे उसकी आज्ञा का पालन करना है। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करना छोड़ दोगे तो बाहर वालों के साथ जब तुम जाओगे तो हो सकता है कि शैतान जो हमारा शत्रु है वो आपको फाड़ खाने को तैयार है। बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है कि दहाड़ने वाला शेर, शैतान जो है वो दहाड़ने वाले शेर के समान इस खोज में है कि किसे फाड़ का है। वो कलीसिया को, विश्वासियों को ढूंढ रहा है उन्हें फाड़ खाने के लिए, उन्हें पापों में डालने के लिए और उनके साथ बुरे काम करने के लिए शेर मेरे प्यारों तैयार है। इसलिए आज हम सुन रहे, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या आज कलीसिया के कान है? क्या आज मेरे और आपके कान है कि आज हम अपने पिता की बात सुने, परमेश्वर पिता की बात सुने, जो पिता हमें आदेश देता है, हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम प्रभु के वचन को आज हम समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे 1 John 2:15-17। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और वचन 15 से लेके वचन 17 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ शब्दों में बता रहा है कि संसार से जो प्यार करता है, जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। बहुत ही खास वचन बाइबल हमें बता रही है, जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखा है वचन में, तुम संसार से प्यार मत करो और ना संसार की वस्तुओं से प्यार करो। अगर कोई संसार से प्यार करता है तो उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। फिर कह रहा हूं, संसार नाश होने वाली चीज है, संसार की वस्तुएं नाश होने वाली चीज है। और इतिहास गवाह इस बात का, जितनों ने संसार और संसार की बातों पर मन लगाने का प्रयास किया वे सब के सब बर्बाद हो गए, क्योंकि अभिलाषाएं बहुत बढ़ती गई। मुझे ये लेना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये नाम बनाना है, संसार पाना है, संसार में अपने आप को बहुत ऊंचा करना है, मैं अपने आप को सबसे ऊंचा और सबसे सेफ स्थान पे अपने आप को मैं रखना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा करने के लिए हमने बहुत प्रयास किए और ये पाने के लिए कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, अशांति में, निराशा में चले जाते हैं जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और वे अपने आप को कचोटते रहते हैं कि मैं ये इच्छा, मेरी ये काम मैं पूरा नहीं कर पाया। और आखिरकार उन्हें करना ये होता है, वे अपनी जान गवा बैठते हैं। जी हाँ, जो संसार की अभिलाषाओं के पीछे है, संसार के नाम और पद प्राप्त करने के पीछे है, जब उनकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है, तब वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। ऐसा हमारे देश में हो रहा है, आम आदमी आत्महत्याएं कर रहा है, जो VIP है, सेलिब्रिटी है, वो आत्महत्या कर रहा है, लोग मरने की तरफ पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को संसार से प्यार है, संसार की वस्तुओं से प्यार है। मेरे प्यारे, जितनों ने साधारण जीवन नहीं जिया, जितनों ने यीशु मसीह के अनुसार जीवन नहीं जिया, वो नहीं जी रहे हैं, ऐसे लोग दुखी ही है। प्रभु यीशु मसीह के बिना, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बिना, प्रभु यीशु मसीह के जो बातें बताई गई है उसके बिना जीवन दुखी ही रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशानी में रहेगा। क्योंकि वचन में आगे लिखा है 16 वचन में कि संसार में जो कुछ है, क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जो शरीर को अच्छा लगता है वो अभिलाषाएं हमारे अंदर जागृत होती है, जो हमारे आंखों के लिए अच्छा लगता है, आंखों की अभिलाषाएं लगातार बढ़ती रहती है। और जीविका का घमंड, पैसों का, चीजों का, वस्तु का, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बड़ी कार हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, लोग तो पृथ्वी पर जगह नहीं मिल रही, लोग चांद पे जाके जगह खरीद रहे हैं और पता नहीं कहां कहां रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये जो शरीर में, जीवन में पैदा हो रही है, ऐसा साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में, ये संसार की ओर से है, ये हमारे पिता की ओर से नहीं है। हम पिता की बात कर रहे हैं आज फादर्स डे के अवसर पर, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्रेम
है ही नहीं। और वचन बोलता है संसार और उसके अभिलाषा दोनों समाप्त हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। क्या आज मेरे और आपके कान है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, या हम संसार में और संसार की बातों में इतने मगन होते चले जा रहे हैं, चीजें प्राप्त करने में, नाम प्राप्त करने में, अपना हौंदा प्राप्त करने में, अपना पद प्राप्त करने में, अपनी सारी अच्छाई प्राप्त करने में, क्या हम इतने ज्यादा व्याकुल हो गए हैं कि हम भूल गए कि मुझसे मेरे स्वर्गीय पिता ने कितना प्यार किया? क्या मेरे अंदर उस पिता के प्रति प्यार है? क्या मैं उस पिता से प्यार करता हूं? अब आप कहेंगे हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर की संतान है, हम कैसे जाने हम परमेश्वर की संतान है? यदि हमें यह नहीं पता कि हम परमेश्वर की संतान कैसे हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको यह भी नहीं पता कि हमारी दुनिया अलग है, हमारा जीवन अलग है, हमारी जीवन शैली अलग है, हमारा काम अलग है, हमारे विचार और हमारे लिए जो योजनाएं परमेश्वर रखा है ये बहुत ही अलग है। संसार इसको जान ही नहीं सकता। मैं आपको एक सिंपल शब्द में बताना चाहता हूं, ये विश्वासियों के लिए है, सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं कि कैसे होते हैं परमेश्वर की संतान। मेरे साथ चलेंगे रोमियो उसके 8वें अध्याय में, रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 14, रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय और वचन 14, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन में लिखा है साफ शब्दों में कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसका मतलब यह होता है कि जितने लोग अपने शरीर की क्रियाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर के कामों को रोज नाश करते हैं, उनका विरोध करते हैं, संसारिक और शारीरिक बातों का जो लोग रोज विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद सिर्फ परमेश्वर की मनसा को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है कौन सी, संसार का विरोध करना, संसार की चीजों का त्याग करना, अपने आप को मारना, कूटना और वश में लाना, ये एक क्रिया है। दूसरी क्रिया परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना, परमेश्वर जैसे चलाना चाहता है वैसे चलना, ये दोनों क्रिया का जो सेंटर पॉइंट है वो है सल्वेशन, उद्धार। जब हमारा उद्धार होता है, जब हमारे पापों की क्षमा मिलती है, जब हमारा नया जन्म होता है, तभी यह संभव है, उसके बिना यह संभव नहीं है। जब उद्धार होता है तभी व्यक्ति अपने शरीर के कामों को विरोध करेगा, असंसार का विरोध करेगा, और परमेश्वर की आत्मा की इच्छा क्या है उस आत्मा पर चल। इसलिए लिखा है वचन में कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसका मतलब जिनको उद्धार पाने के बाद परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण करता है, परमेश्वर चलाता है, जो सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। फादर्स डे मना रहे हम लोग, हम उस पिता की बात कर रहे हैं, हम उस पिता की बात कर जिसने संसार बनाया है, सृष्टि बनाई है, सृष्टि में अपने संतानों का निर्माण किया है, हम उस पिता की बात कर रहे हैं। और वचन बोलता है अगर तुम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हो तभी तुम परमेश्वर की संतान हो। और अभी हमने पढ़ा यूहन्ना फर्स्ट जॉन में कि जो संसार में चलता है, संसार और संसार की बातें, संसार से प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से प्रेम रख ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके अंदर पहले संसार पूरा भरा हुआ है वो कैसे प्रभु से प्यार करेगा? जिसके अंदर आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड इस प्रकार से चढ़ा हुआ है, वो जो पिता की ओर से है ही नहीं, वो तो संसार की ओर से है, और संसार की अभिलाषाओं को मारने के लिए प्रभु बोलता है। आज मेरा सवाल कलीसिया से है, क्या कलीसिया पिता की इच्छा को जान रही है, पिता की इच्छा को पूर्ण कर रही है, पिता की इच्छा के अनुसार चल रही है? अगर पिता की इच्छा के अनुसार चल रही है तो आज कलीसिया परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर इस मंडली से प्यार करता है, परमेश्वर इस कलीसिया से प्रेम करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो बच्चे परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान तो है, लेकिन बाइबल कुछ और बात कर रही है। उसी वचन के नीचे लिखा हुआ है 8वां अध्याय, रोम चैप्टर 8 एंड वर्स 19 टू 23 तक हम पढ़ेंगे, 8वां अध्याय 19 से लेकर
23 तक हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के आधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा में तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने के अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जो होते हैं। बात हो रही है सृष्टि की। सृष्टि का मतलब ये होता है जहां सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुएं पाई जाती है, जीवित और निर्जीव, जिसके अंदर जान नहीं है, जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुएं पाई जाती है उसे सृष्टि कहा जाता है। ये सृष्टि के अंदर पाई जाती है और लिखा है सृष्टि में, वचन में लिखा है कि सृष्टि बहुत ही ज्यादा आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, इंतजार कर रही है। सृष्टि किसका इंतजार कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों का। ये पुत्र कौन है? ये बहुवचन है, परमेश्वर के पुत्रों का ये बहुवचन है। परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त मिलता है, उद्धार प्राप्त होता है। और जब उद्धार प्राप्त होता है तो हम यूं ही परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। वचन साफ कहता है, यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उसे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतान है, और जब परमेश्वर की संतान है तो ये सृष्टि अभी कुछ बात करिए, बहुत खास बात है मेरे को। लिखा है आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही, प्रकट होने का इंतजार कर रही है। सृष्टि चाह रही है, सोच रही है कि कब उद्धार पाए हुए परमेश्वर के बच्चे सृष्टि में पैदा हो जाए, कब उद्धार पाए हुए लोग सामने आए, कब धर्मी लोग सामने आए। क्योंकि लिखा है सृष्टि कराह रही है, ऐसा लिखा है वचन में कि सृष्टि कराह रही है। और 21 वचन ऐसा बोलता है कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। ये कौन सा छुटकारा चाह रही है पृथ्वी? सृष्टि कौन सा छुटकारा चाह रही है? सृष्टि, वचन कहता है वो दिन दूर नहीं, क्योंकि सृष्टि में मनुष्य के पाप के कारण सृष्टि इतनी पापी हो गई, शापित हो गई, वह बंधुवाई में है, वह मरने पर है। सृष्टि मरने पर है और सृष्टि इंतजार करी कब नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, और वहां कौन रहेंगे? वहां परमेश्वर की संतान रहेगी। और लिखा है वचन में कि परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आज आजादी नहीं मिल पा रही सृष्टि को परमेश्वर के संतानों की महिमा करने की, परमेश्वर की महिमा करने की, लेकिन सृष्टि इंतजार कर रही कब ये पाप की सृष्टि को खत्म किया जाए, नाश किया जाए, कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे और मैं उन पुत्रों की महिमा करूंगी। ऐसा लिखा है सृष्टि प्रार्थना कर रही है, इंतजार कर रही है कि मुझे आजादी मिल जाए कि मैं परमेश्वर की पर पुत्रों की महिमा करूं, परमेश्वर की महिमा करूं। क्योंकि वचन में आगे लिखा है मेरे प्यारों 22 और 23 वचन में कि हम जानते कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा में तड़पती है। यह पाप के कारण मनुष्य ने जो पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, संसार के पीछे आज दीवाने हैं, संसार के लिए दीवाने हैं, वो लोग सृष्टि को तकलीफ दे रहे, परमेश्वर को तकलीफ दे रहे, और लिखा है वो पीड़ा में तड़प रही है, कराह रही है और तड़प रही है। जानते हैं सृष्टि तड़प रही है, और सिर्फ सृष्टि नहीं तड़प रही है, लिखा है आगे 23 वचन में केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। जिन्होंने उद्धार पाया है उनको भी यहां मजा नहीं आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, है ना, जिन्होंने उद्धार पाया है उनको भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां पाप है, जहां बुराइयां है, उनको मजा नहीं आ रहा, वो तो इंतजार करे कब नया आकाश बने, कब नई पृथ्वी बने, और वहां मैं जाऊं और वहां मैं आनंद मनाऊं। सृष्टि भी इंतजार करिए कब पाप की सृष्टि समाप्त हो जाए, परमेश्वर के पुत्र एक बार प्रकट हो जाए, निकल जाए, उद्धार पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग बाहर आ जाए, और फिर हम आनंद मनाएंगे। हम भी इंतजार कर रहे, ऐसा लिखा है वचन में कि जिनका उद्धार हुआ, जिनके पास आत्मा का फल है, वे भी इंतजार कर रहे हैं
कि इनका छुटकारा कब हो, कब ये आनंद प्राप्त करें। मेरे प्यारों बाइबल बता रही कि सृष्टि सचमुच परमेश्वर के उन बच्चों की राह देख रही है, जो बच्चों के कान हैं, जो बच्चे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, जो बच्चे परमेश्वर को सुन रहे हैं। हालेलुया, जो बच्चे परमेश्वर को सुन रहे हैं। क्या आज मेरे और आपके कान हैं? क्या हम परमेश्वर को सुन रहे हैं? क्या हम भी करा रहे हम इस सृष्टि से निजात पाना चाहते हैं या फिर हम इस सृष्टि में रहना चाहते हैं? पता है पुराना गीत है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। जी हाँ, ये हमारा देश ये नहीं है, सृष्टि ये नहीं है, हमारा देश नहीं, ये तो नाश होना है। आप सिर्फ देखते रहिए, वैज्ञानिकों की बातें सुनते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, न्यूज सुनते रहिए, आपको यही समझ में आएगा कि सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई है। क्योंकि लिखा ये तो होके रहेगा, जब नया आकाश बनाया जाएगा, नई पृथ्वी बनाई जाएगी, तो प्रभु की संतान वहां रहेगी, प्रभु की संतान परमेश्वर की महिमा करेगी। मेरे प्यारों, इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, हमें यहाँ का नहीं स्वर्ग राज्य का देखना है। पिता की इच्छा को हमें समझना है कि पिता की इच्छा क्या है। पिता की इच्छा यह है कि परमेश्वर की संतान सृष्टि में निर्माण हो जाए, आप और मैं वो बन सकते हैं, उद्धार पाए हुए परमेश्वर की संतान बन के इस सृष्टि के लिए हम एक वरदान बन सकते हैं, हम अपने परमेश्वर की सेवकाई के लिए विशेष का हम माध्यम बन सकते हैं। मेरे प्यारों, एक वचन और पढ़ेंगे, हम जानेंगे कैसे हम लोग इस संसार के समान नहीं है और संसार से हम लोग अलग है। पहला यूहन्ना 3:1-2, First John 3:1-2, जहां इस प्रकार लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने ऐसा प्यार किया कि हम उसकी संतान कहलाए। संसार जो हमसे प्यार करता है, संसार का प्रेम पिता के प्रेम के समान नहीं होता है। संसार हमें समय समय पर याद करता है, समय समय पर भूल जाता है। संसार को याद दिलाना होता है तब उन्हें याद आता है। वैसे तो कोई हमें इतना प्यार नहीं करता, कभी कहीं देख लिया सोशल मीडिया पे आपका बर्थडे देख लिया और कहीं देख लिया तो देख कर आपको विश करता है, कभी कभार आपको याद करता है, कभी फोन करता है, कभी भूल जाता है ना। परमेश्वर का प्यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का प्यार एक सच्चा प्यार है, सच्चे पिता का प्यार है। वो आपको स्मरण करता है, वो कहता है रात और दिन तेरा चेहरा मेरे हाथों के सामने, आंखों के सामने होता है, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर निकाल रखा हो। इतना परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है। लिखा है उसने ऐसा प्यार किया कि हमें अपनी संतान बना डाले। जी हाँ, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे लोग परमेश्वर पिता की संतान बन जाते, ऐसा यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है। और लिखा है हम उसकी संतान है भी। अब जब उसकी संतान है तो हम अलग कैसे हैं, संसार से अलग कैसे, जो आगे लिखा है वचन में, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। किसे? संसार हमें नहीं जानता, संसार हमें नहीं समझता, हमारे जीवन को, हमारे जीवन शैली को, हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को संसार नहीं समझेगा। क्योंकि संसार प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं समझता। संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? किसी को भी पूछ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह कौन है? बोले हाँ प्रभु यीशु मसीह है कोई, मेरे पास और भी लोग हैं, उनमें से प्रभु यीशु मसीह भी कोई है। जितने ईश्वर है उन ईश्वरों में प्रभु यीशु मसीह भी एक ईश्वर है, ऐसे मानने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कोई ये मानने वाला आपको नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, वही पापों की क्षमा करने वाला एकमात्र तारणहार परमेश्वर है, ऐसे मानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। वो इस बात को जानते ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है। इसे लिखा है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो तुम्हें भी नहीं जानेंगे। क्योंकि हम नहीं जानने का वजह यह है कि पिता ने हमसे प्यार किया है और हम कुछ ऐसे मार्ग में चलते हैं, हम कुछ ऐसे रास्ते पे चलते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो संसार के समान बिल्कुल भी नहीं होता है। संसार ने हमें क्या सिखाया? संसार ने सिखाया अगर कोई तुम्हें तुम्हारे घर पे ईंट मारे तो तुम उसके ऊपर पथराव करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये संसार ने सिखाया। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया कोई तुम्हारे गाल पे एक तमाचा मारे तुम दूसरा गाल भी देना। एकदम अलग विरुद्ध शिक्षा है संसार के। इसलिए संसार कभी भी उन बच्चों को, परमेश्वर के संतानों को ढंग से जान ही नहीं पाएगा। इसलिए तो सृष्टि विनाश के रास्ते में है और कहती कि करा रही है ये कब खत्म हो जाए और कब परमेश्वर के संतान मैं उसकी महिमा करूं। यस मेरे प्यारों,
हमें नहीं जानता संसार। क्या आपको जान रहा है संसार? हो सकता है आपको जान रहा है। जो लोग शरीर की इच्छाओं को पूरी करने में तत्व लगे हुए हैं, संसार उनको बराबर जानता है, संसार उनको बराबर जानता है। लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे चलने वालों के लिए, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले सिर्फ परमेश्वर जानता है। कई लोग कॉपी करना चाहेंगे, कई लोग गलत रास्ते में चलना चाहेंगे और एक्टिंग करना चाहेंगे, चीटिंग करना चाहेंगे, लेकिन वे पकड़े जाएंगे। परमेश्वर के संतानों की एक्टिंग नहीं की जा सकती। आपको पता है वो दो लोग जो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आए थे और दुष्ट आत्मा बड़ी सोच में पड़ गई, ये है कौन, ये किधर से आया, ये कौन है? वो कहती, मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस को भी जानती हूं, मैं पत्रस को भी जानती हूं, तुम कौन हो, तुम किधर से आए हो, चलो निकलो यहां से। ऐसा लिखा है कि कपड़े छोड़ के नग्न अवस्था में उनको भाग जाना पड़ा वहां पे, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान होने की एक्टिंग कर रहे थे। सच्चे पुत्र नहीं थे, उद्धार पाए हुए लोग नहीं थे, वो तो एक्टिंग कर रहे थे, वो पकड़े गए। दुष्टात्मा सबको जानती है, कौन परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, कौन परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता है, बराबर जानती है। आज उन लोगों को संसार नहीं समझ सकता मेरे प्यारे, जो पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं, और संसार उनको बराबर जानता है क्योंकि उनके समान जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो सचमुच प्रभु के अनुसार जीवन जीते हैं, संसार उन्हें नहीं जानता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं जाना। दूसरा वचन इस प्रकार से लिखा है यहां पे, हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान है। देखिए मजे की बात, बहुत ही खास, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। मतलब इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसके आगे भी प्रभु ने बहुत सीक्रेट, रहस्य में, भेद रहस्य में बातें हमारे लिए रखी है। तुम सिर्फ संतान नहीं होंगे, तुम इससे भी ज्यादा होगे। हो सकता है वो हमें न्याय करने का अधिकार दे, हो सकता है हमें बड़े बड़े राजपद दे, और उससे भी ज्यादा बड़े इनाम उसके पास है, क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं है। लिखा है अभी हम संतान है, अब ये प्रकट नहीं हुआ, अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। लेकिन आगे लिखा है इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे जैसा वह है। हम सिर्फ अभी संतान है, आगे प्रभु में बहुत कुछ करने वाला है। मेरे प्यारो, परमेश्वर की संतान जो है वो संसार की संतान से अलग होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी आइडेंटिटी क्या है आपके फैमिली में, आपकी आइडेंटिटी क्या है आपके समाज में, सोसाइटी में क्या है? आप जहां जॉब करते हैं, काम करते हैं, आप जहां रहते हैं, वह आपकी आइडेंटिटी क्या है? लोग आपको कैसा जानते हैं? ये परमेश्वर के लोग हैं, चेष्टा करके जानते हैं, या सचमुच आपके जीवन से, आपके आज्ञाकारिता से वे प्रभावित है और कहते हैं सचमुच जिंदा परमेश्वर इसी के पास है। मेरे प्यारा, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, अच्छे अच्छे को झुकना पड़ा, ये मानना पड़ा कि इनका परमेश्वर ही परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर को झुकना पड़ा, मानना पड़ा कि दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, और उससे अपने आप को झुका देना पड़ा। मेरे प्यारों, ऐसे कई सारे लोग हो चुके हैं जिन्होंने ये देखा कि जो परमेश्वर की संतान सामने थी, उनके अंदर परमेश्वर का दर्शन उनको हुआ, उन्होंने उनके अंदर परमेश्वर के कामों को उन्होंने पाया और कह दिया कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं है और तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। लिखा है वचन में, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे पिता की महिमा करें, पिता की महिमा कर, तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करे। मेरे प्यारो, हम इसलिए बुलाए गए कि परमेश्वर के संतान बन के परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर का अनुसरण करे। इसलिए हम अलग है, आपको और मुझे अलग बनना है। हमारे कान तैयार होना पिता की बात सुनने के लिए, कान तैयार होना उसकी आज्ञा मानने के लिए। यदि हमारे कान नहीं हुए तो हम शेर का शिकार बन सकते। मेरे प्यारो, आप और मैं संसार से अलग है, हमारी पहचान संसार में अलग होना चाहिए। परमेश्वर ने इसीलिए आपको और मुझे आज यहां पर बुलाया है। मेरे प्यारो, प्रभु अपने संगति में, आपको पता है पुत्रों के साथ क्या होगा, अंतिम बात बता के समाप्त करना चाहता हूं। पुत्रों के साथ क्या होगा, न्याय का समय आएगा, न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, ऐसा लिखा है वचन में। जब आप मैथ्यू गॉस्पल 13 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और उन दुष्टों को पकड़ेंगे जिन्होंने बुराइयां किया है, जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने धोखा दिया है। कुछ ऐसे भी धोखेबाजों को पकड़ेंगे वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के आड़ में,
प्रभु यीशु मसीह का नकाब पहनकर बुरे काम किए हैं। जी हाँ, इनके बारे में बाइबल बोलती है ये परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर अपनी संतानों को जानता है। यूहन्ना 10 कहता है कि मेरी भेड़े मेरा आवाज जानती है और भेड़े मुझे पहचान लेती, मैं अपनी भेड़ों को पहचान लेता हूं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है अंत के दिन जब मैं आऊंगा तब क्या विश्वास पाऊंगा। वह ऐसे भी लोग होंगे ये कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किया। यीशु मसीह कहेंगे सॉरी मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरे प्यारो, ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने एक्टिंग की है, जिन्होंने एक मुखौटा पहन लिया मसीहत का, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का नाटक किया है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ऐसे लोगों को भी चुन चुन के निकाला जाएगा, स्वर्गदूत चुन चुन के निकालेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की संतान है उनके विषय में कुछ लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 43, मैथ्यू गॉस्पल चैप्टर 13 एंड वर्स 43, 13 उसके 43 में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जी हाँ, जैसा लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, हम पिता की बात कर रहे हैं, पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। हमने जहां स्टार्ट किया था वही समाप्त कर, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या सुन ले? कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। इसका मतलब यह है कि इस सृष्टि, ये पापमय सृष्टि में रहते हुए जिन्होंने धार्मिकता का जीवन जिया, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया, यीशु के पीछे चले, परमेश्वर के संतान होकर बने रहे और सब जगह जब निकले तो उन्होंने इस बात का प्रकट किया कि हम पिता की संतान है, परमेश्वर की संतान है। ऐसे लोग विषय में लिखा है कि वे लोग जब पिता के राज्य में जाएंगे तो सूरज के समान चमकेंगे। वे चमकेंगे मेरे प्यारों जिन्होंने सचमुच पिता को इस धरती पर रहते हुए प्रसन्न किया है। आपकी और मेरी पहली और अंतिम जिम्मेदारी यही है जो रोमियो 12:1 में लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तक पृथ्वी पर है, जब तक इस नाशमान सृष्टि में है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु को भाए ऐसा जीवन जिए। ऐसा जीवन जीने से हम प्रभु की संतान कहलाएंगे। मेरे प्यारों, आइए अपने कान खोले और पिता की बात सुने। पिता चेतावनी दे रहा है, पिता आज्ञा दे रहा है, पिता बता रहा है अगर तुम आज नहीं बने तो उस समय क्या होगा जब स्वर्गदूत आएंगे और चुन चुन के उन पापियों को निकालेंगे, कहीं हम उसमें ना पकड़ में आ जाए। हमें सूर्य की नाई चमकना है मेरे प्यारों, उस बात के लिए हमें तैयार होना है। आओ अपने कान खोले, प्रभु से कहे प्रभु मेरे कान खोल, मैं तेरी बात सुनने पाऊं। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहे जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्योंकि जिनके लिए विशेष प्रतिपल रखा है, जिनके लिए विशेष बातें रखी है, उनके कान होना बहुत जरूरी है। तो कान से ही हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। क्या आज इस फादर्स डे के अवसर पे आप पिता की आवाज सुनने को तैयार हो, अपने स्वर्गीय पिता की आवाज सुनने को तैयार हो? यदि हमने अपनी आवाज सुनी तो हम नाशमान के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर पिता की आवाज सुन रहे हैं, यदि हम परमेश्वर पिता की आवाज सुन रहे हैं, तो आज पिता हमें कुछ सिखाना चाहता है, आज वो पिता हमें कुछ बताना चाहता है। वो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने कान खोल, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, तू मेरी बात सुनना, मेरी आज्ञा मानना। अगर तू ऐसा करेगा, ऐसा करेगी तो निश्चय तू मेरी संतान कहलाएगी और मेरे राज्य में, पिता के राज्य में सूर्य के समान तुम चमकोगे। जिसके कान हो वो सुन ले। आइए, अगर आज आपके कान तैयार नहीं है तो अपने कानों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की आवाज में रोज सुनूं, प्रभु के भेद में रोज जानूं, मैं संसार की इच्छाओं पर नहीं चलूंगा, संसार के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाऊंगा। संसार, जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्यार नहीं है। संसार की अभिलाषाएं मिटती जाएंगी क्योंकि वो पिता की ओर से नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर स्थिर खड़ा रहेगा वो सदा बना रहेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने हमें अपनी संतान बनाया, अपने राज्य में हमें रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम कई बार आपकी संतान होने के बावजूद पिता परमेश्वर संसार के संतान बनने का प्रयास करते हैं,
संसार के समान बनना कर प्रयास करते प्रभु, जबकि आपने हमें कहा कि तुम संसार से अलग हो, संसार तुम्हें नहीं पहचानेगा अगर तुम प्रभु की संतान हो तो। यस लॉर्ड, संसार हमें नहीं पहचानेगा। आज मेरे कितने से भाई बहने पिता परमेश्वर जो आपकी इच्छा का पालन कर रहे हैं और संसार उनको नहीं जान रहा पिता परमेश्वर, हे प्रभु, लेकिन स्वर्ग राज्य में उनका लेखा लिया जाएगा, स्वर्ग राज्य में उनका वर्णन किया जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद स्तुति करते हैं, विनती करते पिता परमेश्वर, आज जितने भाई और बहने प्रभु जी अपने कान खोलना चाह रहे हैं प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, अपने पिता को गले लगने के लिए, अपने पिता से लिपट जाने के लिए आज वे तैयार है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनके कान खोल ताकि वे लगातार आपकी आवाज़ सुने प्रभु जी। धोखा देने वाला मन दूर कर पिता परमेश्वर, अनाज्ञाकारिता का मन दूर कर पिता परमेश्वर, लेकिन आपके पीछे चले, आपकी आवाज़ सुने, ऐसी दया और कृपा आपसे मांगती ईश्वर राजा। धन्यवाद करते, हमारे कान खोल प्रभु और लगातार आपके संतान बने रहने के लिए विशेष अनुग्रह और सहायता हम पर कर, धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।